WMO जो है ना वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 9 से ज़्यादा चैप्टर हैं पूरी दुनिया के अंदर और बहुत ज़्यादा इंसानी कामों में इन्वॉल्व है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई 21 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शुरू हमारे ताया हाजी अब्दुलरज़ाक ने और उनके सारे दोस्तों ने मिलकर की थी और आज 21वां साल है माशाल्लाह। और बहुत सारे काम कर चुकी है WMO एजुकेशन पे, उसके अलावा हाउसिंग के ऊपर, हॉस्पिटल में, हेल्थ में। तो हमने ये इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव लिया है इस साल का कि हम बहुत सारे और कामों के साथ ये काम शुरू करने जा रहे हैं जो हमने आज शुरू कर दिया है पाकिस्तान में, वो है मील्स ऑन व्हील्स, कि लोगों के घर तक लोगों को खाना पहुँचा के आएंगे इंशाल्लाह। और हमने अभी 5 गाड़ियों से शुरू किया है काम। अभी हमारा प्लान है कि हर रोज तकरीबन 6 से 10 हज़ार मील्स हम घर पे डिलीवर करें उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है खाने का। आपने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी वर्ल्ड की, आज की फूड शॉर्टेज की सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ दुनिया में भी बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है। तो इसलिए हमने ये इकदाम लिया है कि सबसे पहले जब इंसान का पेट भरा होता है तो उसके बाद वो एजुकेशन की तरफ और कहीं और जाता है। तो हमारा पहला मरहले में हम एजुकेशन अपना फूड का काम कर रहे हैं, फूड बैंक से हमने लॉन्च किया है पाकिस्तान में, हमने आज किया है। और बस दुआ करें और हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इकदाम है ये सिर्फ मेमनों के लिए नहीं है, ये बाई WMO है बट नॉट ओनली फॉर मेमन, सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए है, सब पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई जात, कोई रेस, कोई मजहब का हमने इसमें कोई सेपरेशन नहीं किया। पहला इकदाम के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम एजुकेशन पे काम करें और उसके बाद हेल्थ के ऊपर। तो ये पहला इकदाम है हमारा, हम दुआ करेंगे कि लोग हमारा हमेशा साथ देते हैं और इसमें भी हमारा साथ दें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हम लोगों के घर तक खाना पहुँचा सकें।